इनको बचाना है, इनके साथ खड़े होना है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी। और कल का जो घटनाक्रम हुआ, जब धमकी दी, जब बदतमीजी की, जब आप किसी को बार बार तंज कसते हैं किसी के ऊपर, ये जो टिचकरबाजी किसी के साथ करते हैं, तो यकीनी तौर पर आपका संयम टूट जाता है। उनका साहब ने कल कहा, मैं इसका कंडेम करता हूं। मेरी भावना नहीं थी, ये सारे सिख कौम की भावना थी। जो कल हुआ, मेरी जगह कोई भी अगर होता तो वो भी यही करता। जो गुस्सा, जो क्रोश है, वो मेरे अकेले का नहीं है, दुनिया भर में बसते सिखों का क्रोश है। ये उनका गुस्सा है। 34 साल तक हमें इंसाफ नहीं मिलता और फिर भी हमारे साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। तंज कैसे जाते हैं हमारे पे, जैसे हमने कोई जुर्म किया हो, जैसे हमने कोई गलती की हो, हमने कोई सजा का वाला काम किया हो। अभी भी हमारे इतने सीनियर आदमी ये कह रहे हैं, मुझे अफसोस है। भाई तुम्हें अफसोस होगा, मुझे अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है, 8,000 लोग मारे गए, देश के प्रधानमंत्री वोट क्लब पर खड़े होकर कहते हैं हमारी मां इंदिरा को मार दिया। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जब देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा था।